बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 मैथमेटिक्स पेज नंबर 36 वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है बेटे। अब इनके स्टेटमेंट स्टडी करके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये करना क्या है। देर आर सम पीसेस ऑफ वुड, कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं बेटे। एक है 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। ये उनकी लेंथ्स हैं 18, 30 और 12। द कारपेंटर वांट्स टू कट देम इनटू इक्वल साइज, मतलब इनके फैक्टर बनाए हैं उसने, इक्वल साइज में उनको काटे हैं उन टुकड़ों को। व्हाट साइज शुड ही कट देम टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वुड, कि लकड़ी कोई ज़ाया ना हो तो किस साइज में उनको काटना चाहिए। तो डेफिनेटली हाइस्ट में काटना चाहिए। तो ये बेटे एच सी एफ है, 18 मीटर, 30 मीटर और 12 मीटर, इसको उसने फैक्टर्स बनाए, काटे हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 18 मीटर, 30 मीटर और 12 मीटर का एचसीएफ। देखें 18, 12, और नेक्स्ट कौन सा बैठे, 18, 13 और 12, चलो 12 और 30, इसका आपने एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ, अब एच सी एफ अगर हम डिवीजन मेथड से कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किस मेथड से करें, आपका जैसे दिल करें आप उससे कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने डिवीजन मेथड से, सबसे दो बड़े नंबर जो है ना वो चूज़ कर लें, ये 30 और 18। 30 को बेटे डिविडेंड बना लें, 18 को डिवाइजर बना लें। 18 1 इज़ 18, 10 10 टेक अवे 8 इज़ 2। Now this is 2, 2 take away 1 is 1. Now 12 is divisor and 18 is dividend. 18 अंदर आ जाएगा। 12, 1 is 12. 8 take away 2 is 6. Now 6 is remaining. Now you have to make this one divisor and this one as a dividend. 6 how many times is 12? 6 2 is 12. जब ये पूरे का पूरा डिवाइड कर दे तो ये जो डिवाइज़र होता है बेटे ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ इन दो के लिए 6 आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर कौन सा था बेटे, 12। आप 12 को आप डिविडेंड बना लें और इसी डिवाइज़र को यहाँ दोबारा लें। अब 6 2 12, इसने 12 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो ये जो डिवाइज़र होगा यही आंसर होगा। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 6, मतलब 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट बेटे देखें, सारा डज द वॉशिंग एवरी 9 डेज, सारा हर 9 दिन के बाद वॉशिंग करती है। अरीबा डज हर वॉशिंग एवरी 12 डेज, अरीबा जो है वो 12 दिनों के बाद वॉशिंग करती है। एंड नेहा डज हर वॉशिंग एवरी 6 डेज, और नेहा हर 6 दिन के बाद वॉशिंग करती है। इफ़ दे ऑल डू द वॉशिंग टुडे, अगर ये सारे की सारी आज ही वॉशिंग करती हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे डू द वॉशिंग टुगेदर अगेन, कितने दिनों के बाद वो दोबारा वॉशिंग करेंगे बेटे। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्यों, क्योंकि आपने ये कुछ दिनों के बाद इनकी बारी आएगी, फिर कुछ और दिनों के बाद इनकी इकट्ठे बारी आ जाएगी, फिर कुछ और दिनों के बाद। तो इनमें सबसे लोएस्ट जो है, सबसे पहला नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने पहले जो बारी आएगी वो कितने दिनों के बाद आएगी। तो अब हम इसमें 9, 12 और 6 इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, मतलब 9, 12 एंड 6 इस इनका बेटे एलसीएम फाइंड आउट कर, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, 6 भी है। 9 एज इट इज आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, अगेन 2 से, क्योंकि ये 6 2 से डिविजिबल है स्टिल, ये 9 और 3 नहीं है। तो 9 और 3 ऐसे कैसे लिखे रह जाएंगे, अब 2 3 6। अब बेटे कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से डिविजिबल हैं सारे, 3 3 9, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, अगेन 3 से बेटे, 3 1 इज 3,
अब सारे वन वन आ गए। तो अब एलसीएम क्या आया इनका, वो आ रही टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री। फाइंड आउट करें, टू टू इज़ अ फोर, फोर थ्री इज़ अ ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री इज़ अ 36। तो आफ्टर 36 डेज, आज अगर सारी वॉशिंग कर रही हैं तो 36 दिनों के बाद फिर वो दोबारा इकट्ठे वॉशिंग कर रही होंगी। इस तरह 72 डेज के बाद फिर वो कर रही होंगी। इस तरह आगे इस तरह बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमने चूँकि सबसे लोएस्ट वाला बताना है, सबसे पहला पहला जो आएगा, तो 36 ही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देख बेटे, ऐशा हैज़ थ्री पीसेज ऑफ क्लॉथ। तीन ऐशा के पास कपड़े के टुकड़े हैं। वन इज 70 सेंटीमीटर वाइड, एक जो है 70 सेंटीमीटर चौड़ा है, एंड द अदर टू आर 84 सेंटीमीटर एंड 98 सेंटीमीटर वाइड। दूसरों दो की विड्थ ये है। शी वांट्स टू कट देम इनटू स्ट्रिप्स। अब ये उनके फैक्टर बना रही हैं, क्यों कट कर रही हैं उनको, ऑफ इक्वल साइज, एक ही साइज के, एज वाइड एज पॉसिबल। हाउ वाइड शुड शी कट द स्ट्रिप्स। तो क्या है बेटे, ये HCF है। जब उसको काट रही है और इक्वल साइज में काट रही है, तो ये आपने HCF फाइंड आउट करना है। कौन कौन से नंबर हैं, 70, 84 एंड 98। ये देखिए बेटे, 70, 84 एंड 98 इनका HCF। तो HCF में पहले आप सबसे पहले दो बड़े नंबर ले लें, ये दो ले लें बेटे। एक को जो बड़ा बड़ा है सबसे, 98, इसको आप डिविडेंड बना लें, और 84 जो है इसको डिवाइजर बना लें। 84, 1 इज 84, 8 टेक वे 4 इज 4, 9 टेक वे 8 इज 1। अब आपका ये 14 जो है, जो रिमेनिंग है, ये डिवाइजर बन जाएगा, और 84 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। 14 6 था आई थिंक, 84 होता है, कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो क्या आंसर है बेटे, ये आंसर है 6, क्योंकि जो डिवाइजर होता है वो आंसर होता है। अब हमने लास्ट नंबर को लेना है, कौन सा रिमेनिंग है बेटे, 70। 70 को फिर आपने डिवाइजर यही 14 ही लेना है। 14 5 इज़ 70, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। इट मीन्स 14 जो है आपका HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया बेटे, 14। तो ये आंसर है 14, ठीक है। तो ये आपने तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट आंसर में कैसे स्टेटमेंट लिखनी है, ये फ़िलहाल इसमें इसको इस चीज़ को वो कर दें, आप सिर्फ इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको स्टेटमेंट को सॉल्व करना। वैसे अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि 6 से स्टेटमेंट चलती है, 5th तक आपको स्टेटमेंट के बगैर भी आंसर करने की इजाज़त होती है। तो कल हम इंशाल्लाह, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस, इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस को। तो ये तीन क्वेश्चन आपने दोबारा से खुद से करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, इनके मेथड को समझते हुए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।